मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? देख रहे हो धूप? धूप देख रहे हो ना? और इस धूप में हम आए हैं कॉलेज ट्रेनिंग करने के लिए, जो कि 6 घंटे की ट्रेनिंग है हमारी, 9:30 से 12:30, 1 घंटे की लंच ब्रेक, उसके बाद फिर 1:30 से यानी 1:30 से 4 तक है पूरी ट्रेनिंग। इसमें इतनी गर्मी में हमें बैठना पड़ेगा क्लासेस में, कोई बात नहीं, करना पड़ेगा। ट्रेनिंग है कि हमारे स्किल्स ही इन्हेंस कर रहे हैं ओवरऑल। और अब जानना चाहते हो कि अभी क्या टेम्परेचर है यहाँ पे? तो अभी अराउंड 32-34 के आसपास है, जो कि आफ्टरनून 12-1 बजते अराउंड 42-43 हो जाता है, जिससे हम तो हालत ख़राब हो जाता भाई हमारा। ये क्या करें, करना तो पड़ेगा ना भाई। तो हमेशा की तरह आपको क्या लगता है, मैं लेट हूँ या टाइम पे हूँ आज? ऑफकोर्स मुझे भी पता, आप यही सोच रहे होंगे कि मैं तो हमेशा लेट होता हूँ, लेकिन आज भी लेट हूँ मैं फिर से। क्लासेस में 9:30 से, तो बस जल्दी जल्दी चल लेते हैं। हाथ दर्द देने लगा थोड़ा सा मेरा, जल्दी जल्दी चलते हैं। ब्लॉक के पास पहुंच चुके हैं, सब बच्चे थके आ रहे, गर्मी में झुलस के आ रहे हैं। देखो मेरे क्लासमेट के 2-3 नमूने भी आगे जा रहे हैं जल्दी जल्दी करके। अभी हम भी चलते हैं, ताकि मैं ही लेट होता, मेरे साथ तो बहुत लोग हैं लेट होने वाले, तो अच्छा लगता थोड़ा, लेट है सब, टीचर कुछ बोलेंगे नहीं भी। चलते हैं जल्दी जल्दी। गाइस हम क्लास में आ चुके हैं, और ये अभी से एक बार सुबह सुबह लैपटॉप लेके खोल लिया, और ये देखो प्रज्ञा को बस, अरे भाई सब चेक कर रही है अभी से क्लास में आज होने वाली पूरी मस्ती। ये हमारे इतिका बैठी हुई है, इतिका को बहुत मिस कर रहे होंगे आप लोग काफ़ी दिनों से। आज इतिका आपने देख लिया, मिलते हैं बाद में, क्योंकि टीचर वही गर्म, मुझे ठंडा करना पसंद नहीं है, टीचर को गर्म ही अच्छी है टीचर, क्योंकि गर्मी भी तो हो रही, अब मैं काला दिख रहा हूँ ना, वो तो दिखूंगा ही। हमारा हो चुका है ब्रेक, खुशी मैम का क्लास कैसा लगा अभी करके? मैम का तो क्लास कर ही नहीं, हम लोग अपना क्लास कर रहे थे, हम लोग अपना मेटाग्राफ कर रहे थे यहाँ पे, लेकिन ये देखो प्रज्ञा को, देखो प्रज्ञा देखो ना, गुटका चिबाते हुए मुंह में, ये देखो केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट कर रही है, भले को ध्यान नहीं दी, ठीक बन रही थी यार, कुछ नहीं, हम अपना काम में व्यस्त थे, मजे कर रहे थे और करेंगे भी मजे, क्यों नहीं करेंगे। मतलब मजा तो है, गर्मी बहुत लग रही क्लासेस में भी, जब 35-40 डिग्री टेम्परेचर होगा तो होगी गर्मी, क्या ही कर सकते यार, क्लासेस की हालत सबकी सब पूरे हालत। देखो ये हमारा नीतीश, ये देखो अपना बाइसेप पोजीशन दिखा रहा लड़का, चलो मजे लेते हैं, 5 मिनट का ब्रेक है, तो रिलैक्स हो जाता है अभी। इसको लग रही है कि घर पर बैठी हुई है, और अपना अभी से एक बात को देखो, ये लेट से आंसर निकाल के, अरे आज कुछ कर रहा है, क्या गुंडा बनेगा ये। दोस्तों आपको सीयू की बेस्ट सिंगर से मिलवाना चाहते हैं, आप देख के ना पागल ही हो जाइएगा। अब हमारे सामने बेस्ट सिंगर प्रज्ञा ठाकुर। खुशी इधर ही एक्शन, बहुत सेक्सी है गाइस। क्या क्या जतन करवाए तेरे भाई। दोस्तों 2-2 रुपए आपके पास है तो प्रज्ञा को दे दे, प्रज्ञा 2 रुपए में खुश हो गई, खुशी को बहुत अच्छा लगा इसका गाना ना, खुशी खुशी तो फैन होगी, पंखा हो गया झूठा। खुशी तो देखो इतनी है कि क्या बोले हम,
गंदा मूवी, गंदा नहीं अच्छा मूवी पहुंच रहा एकदम। ये ना अच्छा मूवी है भाई, ये जो लड़का दिया गया, ये लड़का पूरा देख रहा है ध्यान से, देखो ना क्या दिख रहा। तो इतनी गर्मी में भी लाइट कट गया यार, परेशान हो रहे सब, गर्मी में परेशान। मेरे को अभी इसको चक्कर आ रहा है। जैसे फैन ऑफ हुआ इनको चक्कर आ रहा है प्रज्ञा को, लेकिन फिर भी हंस रही है, दांत तो आसमान में निकलता जा रहा है। बहुत गर्मी है दोस्तों, और लाइट भी चली गई, तो आप दुख समझ लो प्रज्ञा है। दिख रहा है वो भाई, कोई नहीं, खुशी हम लोग को स्पॉन्सर कर दो तुम तो। अभी बंद होगा? नहीं नहीं अभी नहीं, तो फिर क्या फायदा। अगले ठंड में हम लोग जाना प्रेफर करेंगे दोस्तों, अभी कहीं नहीं जा रहे हम लोग। ये खुशी जो है ना वो स्क्रिप्ट राइट कर रही है। मैं वो पहले बोल चुका था, अब पंखा आ गया, लाइट आ गया। सो दोस्तों अभी हमारा हो चुका लंच ब्रेक, अभी बज रहे 12:30 और धूप करीबन सर के ऊपर है, टेम्परेचर 40+। और इस टेम्परेचर में हम लोग कॉलेज में क्लासेस ट्रेनिंग लगा रहे हैं, बहुत गंदी हालत। अब जाके कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर से हमारा क्लास है 1:30 बजे से, बहुत हालत हमारा ख़राब हो चुका है। आज से क्लासेस में करीबन 3-4 बार लाइट भी कट गई, फैन भी नहीं चल रहा था, सर्किट ही चल रहा था जिससे लैपटॉप भी चार्ज हो, कुछ नहीं हो रहा था। आज के दिन पूरा बेकार ही जा रहा है अभी तक, तो देखते हैं आगे क्या होता है। इतने परेशान, कुछ छाता से बचे हैं, कोई गमछा डाले हुए हैं, सब छाता से, कोई बुरखा पहने हुए, फिर भी हमें चलना नेक्स्ट अगले ब्लॉक B3 में जाना होगा अगली क्लासेस के लिए, तो वहीं पे हम करेंगे लंच। सो मिलते हैं, लंच करते हैं, सब फिर क्लास लगाने को। गॉड इन्हीं का तो ठीक है, छाया में बैठे हुए भाई, ये क्या कर सकते हैं, देखो गर्मी का प्रभाव, बहुत दुख दर्द पीड़ा। चलो मिलते हैं आगे, मेरा डब्बा खाने का, अभी हम लंच करेंगे। ये भी सिग्मा टेंशन में हमेशा रहता है, चिड़िया प्रेशर मैन। और ये है मेरा डब्बा, इसमें लाए हैं क्या लाए हैं खोल के दिखाते हैं आपको। लाए हम रोटी भुंजिया है, डब्बा में है रोटी खाएंगे। ये देखो रोटी भुंजिया है, सुबह सुबह मैं उठ के आज बनाया खाना, भूख लगी है तो अभी खाते हैं, ये सब बाहर में चलते हैं खा के फिर खास। तो हो चुका है हमारा ब्रेक ख़त्म, ये शर्ट वगैरह लेके चल रहे हैं क्लास की हम लोग, सुंदर सुंदर भी लगेगी इसलिए आप में रख लिया। क्लास से क्लास ये स्पर्ट्स है। हेलो ऋतिक भाई, कैसे हो आप? सब बढ़िया। ये देखो गाइस, ये है इतिका, आप तो अच्छे से जानते होंगे, इसको अनफॉलो करें इंस्टाग्राम पर। ये अपने आप को सुपनखा कहती है, रावण की बहन, समझे? यस गाइस यस, तुम बेइज्जती वाले आदमी को बेइज्जती ना करेंगे। लड़की को देखो, इतनी गर्मी लग रही कि इसने अपने फ्लैट से पंखा ही निकाल के ले आया। चल झूठी, अभी लेके रखी हुई थी इसने, वीडियो को देखते हुए इसने मास्क की तरफ रख दिया। और ये जो सबसे बड़ा
गांडू इंसान है हमारा ग्रुप का। आ गया ना, चुप चुप फोन मार देंगे। अच्छा आएगा तो जरूर। अच्छा YouTube पे लड़ाई, YouTube पे लड़ाई होगा। साकेत वर्सेस ऋतिक यहाँ पे देखो खाली क्लास में ये गाना सुन रहा जा रहा है। टाइम होने वाला है छुट्टी का, खत्म होने वाला है। ये देखो पैक कर ली सामान, मैं भी पैक करने जा रहा हूँ। इसको देखो ना, बस इसको तो जब कैमरा घूमे तो उंगली रखाता माथे पे। चलो आप सामने से देखो, अरे असलियत में देखिए कैसे दिखती है, समझ रहे हो ना। सब मेकअप का इस्तेमाल, जाते हो मुंह धो के आप। हमारा पहला दिन ट्रेनिंग का खत्म हुआ अभी से एक बाग के साथ। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर की ओर, प्रस्थान कर रहे हैं। तो गाइस बहुत ज़्यादा थक चुके हैं आज लेक्चर में। आपको का लेक्चर कुछ हुआ हुआ है नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ाए टीचर, बाकी अब घर चलते हैं। गर्मी तो है बाहर, फिर से वही धूप का सामना करना पड़ेगा। इसको देखो पंदी, इसको प्रज्ञा नहीं कहते हम, पंदी कहते हैं। पंदी का मतलब तेलुगु वर्ड है, इसको सुअर। जब इसके पास अकल ही नहीं है तो ये क्या दूसरी बात बोलेगी। आपको तो पता ही है कहावत है, लड़की का दिमाग घुटना में होता, तो फिर क्या ही बोले आप। अरे दोस्तों इतनी धूप में, धूप का जुगाड़। दुल्हन ये क्या होता है, वो है लापता लेडी की लड़की, ये भी गुम हो जाएगी शादी के बाद। भाई बहुत ज्यादा हालत खराब, इतनी कड़ी धूप देख लो, सब करिया करिया छाता लेके जा रहे हैं। और एक कुछ नहीं, बिना छाता का बिना धूप में परेशान होते होते हम कॉलेज आए हैं। अब कॉलेज से घर जाएंगे, दुख